इंडस्ट्री की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा सनाया ईरानी अपनी खूबसूरती और अपने बबली अंदाज की वजह से लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई हैं। जहां सीरियल में इनकी क्यूटनेस और इनका चुलबुला नटखट अंदाज लोगों को काफी पसंद आता था, साथ ही इनके सभी सीरियल भी लोगों को काफी पसंद आए हैं। वही बता दें, सनाया ईरानी हमेशा हंसती और मुस्कुराती हुई नजर आती है, जहाँ इन्हें देख कर कभी नहीं लगता है कि इनकी लाइफ में कभी कोई दुख भी आया होगा। पर आपको बता दें, सनाया ईरानी की एक ऐसी दुख भरी कहानी है जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। अगर नहीं तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सनाया ईरानी की उसी दुख भरी कहानी से रूबरू करवाएंगे। पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभिनेत्री सनाया ईरानी का जन्म 17 सितंबर 1983 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से कम्प्लीट की। पर आपको शायद ही पता होगा कि अभिनेत्री सनाया ईरानी की जिंदगी में एक दुख भरी कहानी है। जी हाँ, बता दे, सनाया को बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में आने का काफी शौक था, जिसके चलते पढ़ाई कम्प्लीट करने के तुरंत बाद ही इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए एक्टिंग की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। जहां शुरुआती दिनों में इन्होंने कई सारे विज्ञापन में काम किया और मॉडलिंग भी की। और जब ये सीरियल में काम करने के लिए ऑडिशन देने जाती थी तो इन्हें वहां पर हद से ज्यादा गोरी होने की वजह से मेकर्स रिजेक्ट कर देते थे। और इतना ही नहीं, इन्हें ज्यादा गोरी होने की वजह से मेकर्स कहते थे, मैडम आप सीरियलों में नहीं बल्कि फिल्मों में ट्राई करिए। इतना ही नहीं, इन्हें ज्यादा पतली होने की वजह से कई बार तो मेकर्स इन्हें खरी खोटी यानी कि सूखी लकड़ी तक कह देते थे, जिसके चलते सनाया ईरानी को बहुत दुख होता था और इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। पर फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कई जगह ऑडिशन दिए, जहां ऑडिशन देते हुए इन्हें साल 2006 में फना मूवी में महबूबा का किरदार निभाने का मौका मिला, जहां इस फिल्म में इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। पर इन्हें इस फिल्म से कुछ खास पहचान नहीं मिली, जिसके बाद अगले ही साल 2007 में लेफ्ट राइट लेफ्ट सीरियल में काम करने का मौका मिला। और इस सीरियल के बाद इन्हें कई सीरियलों में काम करने का मौका मिला, जिनमें राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएगी और मिले जब हम तुम जैसे कई सीरियल में नजर आई। पर इन्हें असली पहचान इस प्यार को क्या नाम दू सीरियल में खुशी कुमारी गुप्ता के किरदार को निभाकर मिली थी, जिसमें इनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। और इस सीरियल के बाद तो ये इंडस्ट्री की जानी मानी और पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई हैं, जिसकी वजह से दर्शक आज भी इन्हें भुला नहीं पाए हैं। वेल दोस्तों, आप सनाया ईरानी की दुख भरी कहानी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।